की बात है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक टर्म और उसके रेसिप्रोकल को इकट्ठा करके लिख लिया जाता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इसका रेसिप्रोकल वन ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इनको पहले हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स और उसका रेसिप्रोकल वन ओवर एक्स, इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपली हमने इनको रीअरेंज किया, रीअरेंज इस तरीके से किया कि एक टर्म और उसका जो रेसिप्रोकल है वो दोनों साथ साथ आ गए। दूसरा स्टेप ये होगा कि इसको अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस टर्म x प्लस वन ओवर एक्स को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। लेट कि मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूँ, x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू y। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की। सो दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू। अब हमारे पास इस एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी नए वेरिएबल की टर्म्स में आ गई, और एक्स प्लस वन ओवर एक्स को ऑलरेडी हमने y के इक्वल पुट किया। सो ये जो नई वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर माइनस टू पुट कर दें, वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स की जगह पे वाई पुट कर दें प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको आप बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लें। जब आप इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास पेयर्स बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे, y प्लस थ्री एंड y माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ इधर y प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इफ y प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो देन y इज इक्वल टू माइनस थ्री, एंड इफ y माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो देन y इज इक्वल टू टू। अब ये तो हमारे पास वैल्यूज आ गई y की, नए वेरिएबल की। एक्चुअली हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। हमने y को किस चीज़ के इक्वल पुट किया था, x प्लस वन ओवर x को y के इक्वल पुट किया था। ये जो वैल्यूज आई हैं y की, ये एक्चुअली x प्लस वन ओवर x की वैल्यूज हैं। सो x प्लस वन ओवर x इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड x प्लस वन ओवर x इज इक्वल टू टू। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। इस x को ख़त्म करने के लिए हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, और एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब सॉल्व करेंगे तो इसकी हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव स्क्वेयर रूट
by 2. आप खुद इसको by quadratic formula सॉल्व करके चेक कीजिए. इसको x को खत्म करने के लिए सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x square plus 1 is equal to 2x और x square minus 2x plus 1 is equal to 0. अब ये हमारे पास x minus 1 होल का स्केयर है is equal to 0. x की हमारे पास वैल्यू आ गई x is equal to 1. So the solution set is minus 3 plus minus 5 square root by 2 and 1. ये जो values हैं ये इस equation को satisfy करेंगी. आप इसको check भी कर सकते हैं. उसके बाद है question number 20. Question number 20 में हमारे पास equation दी गई है x minus 1 over x whole square plus 3 into x plus 1 over x is equal to 0. इसको solve करने के लिए पहले हम इस square को open कर लेंगे. जब इस square को open करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x square plus 1 over x square minus 2 plus 3 into x plus 1 over x उसी तरह से आ जाएगा is equal to 0. अब जो एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल है उसको इकट्ठा करके लिख लें, बाकी टर्म्स को अलग कर दें. x square plus 1 over x square plus 3 into x plus 1 over x minus 2 is equal to 0. अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस x plus 1 over x को हम किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे. लेट के मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूं. वहां से फिर हम इस x square plus 1 over x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल. दोनों साइड्स पे स्केयर ले लेंगे. x plus 1 over x square is equal to y square. ये हो जाएगा x square plus 1 over x square plus 2 is equal to y square और x square plus 1 over x square is equal to y square minus 2. अब हमारे पास x square plus 1 over x square की वैल्यू भी आ गई और x plus 1 over x को हमने y के equal put किया था. ये जो नई values आई हैं इनको हम इस equation में put कर देंगे. जब इस equation में put करेंगे तो हमारे पास equation बन जाएगी y square minus 2 plus 3y minus 2 is equal to 0 और y square minus 3y minus 4 is equal to 0. अब ये हमारे पास quadratic equation बन गई. इसको अब हम by factorization solve कर लेते हैं. जब हम इसको by factorization solve करेंगे तो इसके factors बनेंगे y plus 4 and y minus 1 is equal to 0. y की हमारे पास दो values आ गई, y is equal to minus 4 and y is equal to 1. ये जो हमारे पास values आई हैं y की, ये actually किसकी होंगी? इस x plus 1 over x की. क्यों? कि हमने इसको ही तो y के equal put किया हुआ है. So, x plus 1 over x is equal to minus 4 and x plus 1 over x is equal to 1. इस x को खत्म करने के लिए दोनों सारी टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x square plus 1 is equal to minus 4x और x square plus 4x plus 1 is equal to 0. ये हमारे पास एक quadratic equation बन गई
जब हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस थ्री स्क्वायर रूट। आप खुद इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करके चेक करें। इसी तरह से अब इसको सॉल्व करने के लिए, इस x को ख़त्म करने के लिए, हम इसको सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको भी हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। जब हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, जब इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस माइनस थ्री स्क्वायर रूट बाय टू। आप खुद इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करके चेक करें। सो सॉल्यूशन सेट इज माइनस टू प्लस माइनस थ्री स्क्वायर रूट एंड माइनस वन प्लस माइनस माइनस थ्री स्क्वायर रूट बाय टू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को पहले हम रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाएंगे। इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाने के लिए इस सारी टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x रेज टू पावर 2 माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन बन गई है। एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल जो होगा उसको इकट्ठा कर लेंगे, दूसरी टर्म और उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको इकट्ठा कर लेंगे। इसको मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आएगा तो माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो किसी नए वेरिएबल की टर्म्स में इस x प्लस 1 ओवर x और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करेंगे। सो मैं इस x प्लस 1 ओवर x को y के इक्वल पुट कर देता हूँ, तो वहां से मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू आएगी y स्क्वायर माइनस 2, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। आप इसको खुद सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो नई वैल्यूज हैं x प्लस 1 ओवर x की और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की, वो हम इस इक्वेशन में इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, y प्लस 1 एंड 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई,
y is equal to minus 1 and y is equal to 5 by 2. ये जो नई वैल्यूज अब ये y की वैल्यूज आ गई हैं, ये एक्चुअली वैल्यू किसकी होंगी, इस x plus 1 over x की, क्योंकि हमने x plus 1 over x को y के इक्वल पुट किया था. सो x plus 1 over x is equal to minus 1 and x plus 1 over x is equal to 5 over 2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x square plus x plus 1 is equal to 0, और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2x square minus 5x plus 2 is equal to 0. आप खुद इसको सॉल्व कीजिए, इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस x को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे. अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी x is equal to minus 1 plus minus minus 3 square root by 2. ये मैंने इसको by quadratic formula सॉल्व किया, आप इसको खुद सॉल्व करें, यही वैल्यू इसकी आएगी. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी x is equal to 2 and x is equal to 1 by 2. So the solution set is minus 1 plus minus minus 3 square root by 2, 2 and 1 by 2. ये जो values हैं ये इस equation को satisfy करेंगी. Next is the question number 22. Question number 22 में हमारे पास equation दी गई है 2x raised to power 4 plus 3x raised to power 3 minus 4x raised to power 2 minus 3x plus 2 is equal to 0. अब ये भी बिल्कुल question number 21 जैसा ही है. इसको पहले reciprocal equation बनाने के लिए इसको x square से divide करेंगे. So dividing by x square, जब x square से divide करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x square plus 3x minus 4 minus 3 over x plus 2 is equal to 0. उससे अगले step में हम इनको rearrange कर लेंगे. Rearrange इस तरह से करेंगे कि एक term, sorry, this will be 2 over x square. रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि एक टर्म और उसका जो रेसिप्रोकल है वो इकट्ठे आए. सो 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. पहली दो टर्म्स में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, सो दिस विल बिकम 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 over x square. यहां से plus 3 का मन आ रहा है तो plus 3 into x minus 1 over x minus 4 is equal to 0. अब इसको quadratic equation बनाने के लिए इस x minus 1 over x को किसी और variable के equal put करेंगे और उस variable की terms में इस x square plus 1 over x square की value find कर लेंगे. लेट मैं x minus 1 over x को y के equal put करता हूँ. x minus 1 over x is equal to y, then x square plus 1 over x square is equal to y square plus 2. अब हमारे पास x minus 1 over x की value भी नए variable की terms में आ गई और x square plus 1 over x square की value अभी नए variable की terms में आ गई. ये जो values हैं इनको हम इस equation में put करेंगे तो ये equation हमारे पास बन जाएगी 2 into y square plus 2 plus 3y minus 4 is equal to 0 और 2y square plus 4 plus 3y
minus 4 is equal to 0. 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2y square plus 3y is equal to 0. यहां से दोनों में y कॉमन आ रहा है, so y into 2y plus 3 is equal to 0. y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y is equal to 0 and y is equal to minus 3/2. ये जो वैल्यूज हैं y की, ये एक्चुअली x minus 1 over x की हैं, क्योंकि हमने x minus 1 over x को y के इक्वल पुट किया. So x minus 1 over x is equal to 0 and x minus 1 over x is equal to minus 3/2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x square minus 1 is equal to 0 और x is equal to plus minus 1. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x square plus 3x minus 2 is equal to 0. आप इसको खुद सॉल्व करें, यहां से इस स्टेप तक आप खुद जाएं, आपको पता चलेगा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, x is equal to 1/2 and minus 2. So the solution set is 1, minus 1, 1/2 and minus 2. ये जो सारी वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 6x raised to power 4 minus 35x raised to power 3 plus 62x raised to power 2 minus 35x plus 6 is equal to 0. यह भी बिल्कुल उसी टाइप का इक्वेशन है जिस टाइप की इक्वेशन हमने क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 में सॉल्व की. अब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करने के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप इसको खुद सॉल्व कर सकें. सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किया, इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. सो डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6x raised to power 2 minus 35x plus 62 minus 35 over x plus 6 over x raised to power 2 is equal to 0. इसे next step हम क्या करते थे, next step में हम इसको rearrange करते थे और rearrange इस तरह से करते हैं कि एक term और उसका जो reciprocal है वो दोनों इकट्ठे आ जाएं. So जब इनको मैं rearrange करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x raised to power 2 plus 6 over x raised to power 2 minus 35x minus 35 over x plus 62 is equal to 0. उससे next step में इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही वो कॉमन लेते थे और इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही वो कॉमन लेते. So यहां से हम 6 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x square plus 1 over x square. यहां से minus 35 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x plus 1 over x plus 62 is equal to 0. अब इसको हमने quadratic equation बनाना है. पिछले equation से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अब इस तरह की equations को कैसे हम quadratic equation बनाते हैं. इस x plus 1 over x को किसी और variable के equal put कर देंगे तो इस x square plus 1 over x square की value उस variable की terms में find कर लेंगे. इसकी value आएगी x square plus 1 over x square is equal to y square minus 2. ये जो नई values आई हैं x plus 1 over x की और x square plus 1 over x square की ये values हम इस equation में put कर देंगे.
जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 6 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 35y प्लस 62 इज इक्वल टू 0 और 6y स्क्वेयर माइनस 12 माइनस 35y प्लस 62 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, 6y स्क्वेयर माइनस 35y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। जब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, आप अपनी पेजेस निकालें और इस पे इसको सॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो होंगे 2y माइनस 5 एंड 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 5/2 एंड y इज इक्वल टू 10/3। ये वैल्यूज अब किसकी होंगी? x प्लस 1 ओवर x की, क्योंकि हमने x प्लस 1 ओवर x को y के इक्वल पुट किया था। सो एक्चुअली x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2 एंड x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 10/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 10/3, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 3 एंड 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/3। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2, 1/2, 3 एंड 1/3। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। देन द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है x रेज टू पावर 4 माइनस 6x रेज टू पावर 2 प्लस 10 माइनस 6 ओवर x रेज टू पावर 2 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसको रीअरेंज करेंगे के एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल जो है वो इकट्ठे आ जाएं। बाय रीअरेंजिंग दिस विल बिकम x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 माइनस 6x रेज टू पावर 2 माइनस 6 ओवर x रेज टू पावर 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4, यहां से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे ताकि हमें x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 की वैल्यू उस वेरिएबल की टर्म में मिल सके। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर को मैं y के इक्वल पुट करता हूं तो x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y स्क्वेयर माइनस 2।
ये वैल्यू एक्चुअली इसका स्केयर लेने से आती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया भी। ये जो नई वैल्यूज आ गई एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की और एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वन ओवर एक्स रेज टू पावर फोर की, ये नई वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वाई स्केयर माइनस टू माइनस सिक्स वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, और वाई स्केयर माइनस सिक्स वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। इसको जब हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास दो फैक्टर्स बनेंगे, y माइनस फोर एंड y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। y की दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू फोर एंड y इज इक्वल टू टू। ये वैल्यूज अब किसकी होंगी? इस एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की। क्यों? हमने एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर को y के इक्वल पुट किया। जिस चीज को हम y के इक्वल पुट करेंगे, जो वैल्यू y की आएगी वो उस एक्चुअली उस चीज की होगी जिसको हमने y के इक्वल पुट किया था। सो एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स रेज टू पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू को सिंपली क्या किया, इस एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर दिया सब टर्म्स के साथ और बाद में इसको एक साइड पे ले आए। ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये है एक्स रेज टू पावर टू माइनस वन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स की हमारे पास वैल्यूज आ गई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स रेज टू पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। जब हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स स्क्वेयर की वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू मिलेगी। एक्स स्क्वेयर के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वेयर के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर की टू प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट। यहां से एक्स की वैल्यू लेने के लिए हम सारे का स्क्वेयर रूट ले लेंगे, एक्स विल बिकम टू प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर रूट। सो सॉल्यूशन सेट इज वन माइनस वन एंड टू प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर रूट। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 24 तक सॉल्व किए, जिनमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस और रेसिप्रोकल इक्वेशंस थी। आई होप कि आप इन लेक्चर से इन इक्वेशन